नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज हरियाणा के रोहतक जिले में भाजपा अपना संकल्प पत्र का विमोचन करने जारी है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगत प्रसाद नड्डा, भाजपा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया, हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है, तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, दूसरे दलों के जो मैनिफेस्टो है, जो उनके घोषणा पत्र है, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति ध्यान में आती है। एक विज्ञापन चलता है, भ्रामक विज्ञापन, जैसे 2 दिन में जीवन बदल जाएगा, उस तरह के वादे होते हैं विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के अंदर। एक सजेबाग दिखाते हैं, एक चकाचौंध लेकर के आते हैं। हमने देखा है कि उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की हैं, और चुनाव के बाद लोग मैनिफेस्टो को उठाकर नहीं देखते कि क्या कहा था। और हम चुनाव के बाद पहला काम अपने वादों को पूरा करने का करते हैं और इस बार भी हम यही करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में लिखी हर एक बात 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर गति से काम शुरू कर देते हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जो वायदा हमने किया इस घोषणा पत्र से पहले ही कर दिया, और अपने हरियाणा के युवाओं से भी हमने ये बात कही है कि अभी तो घोषणा पत्र भी नहीं, वो आज जारी हो रहा है। हमने जो हमारे 24,000 युवा साथी थे जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, वो कांग्रेस के भर्ती रोको गए जो हुड्डा साहब के द्वारा प्रायोजित है, 24,000 युवाओं की भर्ती को वो रोक दिया गया। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम सख्त लेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ कोई समझौता हम नहीं करते हैं। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। कांग्रेस अपने झूठे वादों और उन वादों के वजन में ही उसकी दलदल में फंस जाती है। यह बात आज आप नोट कर लीजिए, जनता त्रस्त है कांग्रेस के इन सेक्स चिल्ली बातों से और झूठे वादों से। हिमाचल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार से लोग उब चुके हैं। हरियाणा की जनता सच और सही के साथ है और भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वादे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक की जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वायदे पूरे हो जाएंगे मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वायदों के ऊपर पूरा करती है। मैं आज आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा के जो हमारे 2,80,00,000 लोगों की तरफ से जो सुझाव हमारे इस संकल्प पत्र में आए हैं उनको आज यहाँ पर जारी करेंगे। और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है उस संकल्प को
100% पूरा करती है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ वादे तो किए हैं, परंतु उन वादों को घोषणा में ही रह गए हैं, पूरा नहीं हुए हैं, और लोग आज उनकी असलियत को जान चुके हैं। और रखने वाली ऐसी पुण्य भूमि हरियाणा को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज मुझे मैनिफेस्टो रिलीज करने का सौभाग्य मिला है और पत्रकारों के साथ वार्ता करने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमें मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसका उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए ये डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है, और उनके लिए ये डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एप को ही याद करें, 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली सत्य। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये सारी आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण, और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी हमारे, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र, ये सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? ये सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है,
जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं, और आपको साफ दिखेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट करें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी, आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3,00,000 रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था, और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है, यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं, और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान रखना। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट 2,185 है। और जब मैं 2,185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी 2014 में, पत्रकार बंधु नोट कर ले, हरियाणा में 500